हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा स्थिति कोच में। तो फ्रेंड, आपसे कोई डिमांड आ रहा था कि सर लूसेंट जीके का क्वेश्चन करवाइए, लूसेंट का होमवर्क सीरीज दे रहे हैं, प्लस में आप जीके का क्वेश्चन करवा दीजिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए लूसेंट जीके का 1000 का टारगेट रखा गया है, जो कि पार्ट वन रहेंगे। हर पार्ट में 50 क्वेश्चन कवर करेंगे हम सभी, और ये डेली आपको शाम में 7 बजे दिया जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप सभी टाइम निकाल के डेली शाम में 7 बजे इस सेट को लगा लीजिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। वही क्वेश्चन आपको देंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछने का चांस है। तो 1000 क्वेश्चन का टारगेट है, तो आप सभी किसी भी तरीके से टाइम निकाल के आप सभी इस टारगेट को पूरा कर लीजिए, आपका तैयारी काफ़ी हद तक हो जाएंगी। तो चलिए लगाते हैं आज की सेट को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रक जड़त्व का माप है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर। लूसेंट तो पढ़ते होंगे आप सभी, बिल्कुल आंसर करेंगे आप सभी, बिल्कुल क्या हो जाएंगे, द्रव्यमान हो जाएंगे। सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे क्वेश्चन के लिए, नहीं बिल्कुल। अगला क्वेश्चन लिखिए, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे आप सभी को, वही क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछने का 100% चांस है। तो यह कब पारित हुआ था, 1773 ईस्वी में। ए बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे क्वेश्चन के लिए, नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी, जे बिल्कुल सभी साथी आंसर करेंगे, क्वेश्चन को गलती नहीं करेंगे आप सभी। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। डी राइट आंसर रहेंगे क्वेश्चन के लिए, नहीं। जो भी साथी ऑप्शन में डी कर रहे हैं बिल्कुल सही है उसका। देखिए अगला क्वेश्चन, कार्य का मात्रक क्या है। चलिए बिल्कुल सिंपल सी और इजी क्वेश्चन है, आंसर करेंगे आप सभी, गलती नहीं करेंगे। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, कार्य का मात्रक क्या है, जे बिल्कुल जूल। ए राइट आंसर रहेंगे क्वेश्चन के लिए, नहीं जूल। अगला क्वेश्चन देखिए, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं बिल्कुल सही है, पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं इस चैनल पे, वे सभी सारा क्वेश्चन को बना लेंगे। देखिएगा आप सभी, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। चलिए सभी फ्रेंड आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए राइट आंसर क्या होंगे आप सभी का, जे बिल्कुल कब हुई थी, 1971 में हुई थी, 1971 ईस्वी में की गई थी, याद रखेंगे आप सभी। देखिए अगला क्वेश्चन, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर क्या होंगे। चलिए आंसर करेंगे आप सभी, बिल्कुल गलती नहीं करेंगे आप सभी। ए राइट आंसर है पास्कल का नियम पर, क्वेश्चन के लिए, नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन यह है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। सी राइट आंसर है प्राकृतिक तत्व में मिलता है एक ही प्रकार का परमाणु। देखिए आप सबको बताना चाहते हैं, अगर आप भी बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में सफलता पाना चाहते हैं, तो युवा शक्ति जीके कोच की तरफ से एक ईबुक को लॉन्च किया गया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, जीके जीएस का क्वेश्चन है, जिसमें कि कवर किया गया है। सेक्शन जो है आपका हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, पॉलिटी का है, इकोनॉमी का है, प्लस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का है। तो ये सारा चीज कवर किया गया है, बगल में प्लस होता होगा आप सभी देख सकते हैं, सारा क्वेश्चन को इसमें लिया गया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। आप सभी इसे डाउनलोड करके रिवाइज कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा चीज इसमें कवर किया गया है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन ये संवेग किसके बराबर है। सारा चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप सभी एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा, अगर डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं आप सभी। तो ए राइट आंसर रहेंगे जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग, क्वेश्चन क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे आप सभी का। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोडो निवासी है, तो ये कहां का निवासी है, गाढ़ो पहाड़ी का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। चलिए आंसर करेंगे आप सभी, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। चलिए आंसर करेंगे आप सभी, अगर लूसेंट आप सभी पढ़ते होंगे तो बिल्कुल आंसर करेंगे आप सभी, संयुक्त प्रांत का, डी राइट आंसर रहेंगे। यही होता है अगर आप लूसेंट को टॉपिक वाइज पढ़ते हैं तो सारा डाउट क्लियर होते जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्राकृतिक होती है, ध्वनि तरंगों की प्राकृतिक क्या होती है,
जो बिल्कुल अनुधैर्य होती है, बी राइट आंसर रहेंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को टिक किए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे उसका। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक होती है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक होती है। देखिए आज होमवर्क सीरीज नहीं दिया गया था, होमवर्क आपको नहीं दिया गया था, कुछ होमवर्क में बदलाव करना था जिसके कारण से आपको होमवर्क नहीं दिया गया है, और आज मॉक टेस्ट भी आपको नहीं मिले हैं। जो मॉक टेस्ट आपको डेली दिया जा रहा है 50 क्वेश्चन का, वो मॉक टेस्ट भी आपको नहीं दिए गए। तो देखिए अभी आपको क्या क्या मिलने वाले हैं, सवेरे होमवर्क मिलने वाले हैं, दोपहर में आपको जो मॉक टेस्ट दिया जाता था 50 क्वेश्चन का वो मॉक टेस्ट दिया जाएगा, और प्लस में शाम में ये 7 बजे डेली आपको लूसेंट का एमसीक्यू करवाया जाएगा आप सभी को। तो डेली आपको 3 क्लास मिल जाएंगे, तो आप सभी डेली मेरे साथ जुड़िए और अपने प्रिपरेशन को एक अलग मुकाम पर ले जाइए। आप सभी देखिए नेक्स्ट लेवल तक तैयारी होंगे आप सभी का। तो सी राइट आंसर रहेंगे लेड। कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है, लेड विद्युत की कुचालक है, जबकि टीन कॉपर निकेल ये सभी सुचालक हैं। क्वेश्चन क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन, संविधान सभा को किसने मूर्ति रूप प्रदान किया। चलिए आंसर करेंगे आप सभी, किसने मूर्ति रूप प्रदान किया था संविधान सभा को। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी को टिक करे बिल्कुल सही है, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो ये देखिए जीव विज्ञान के फर्स्ट पेज में ही ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, हिप्पोक्रेटस। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया बिल्कुल राइट आंसर है उसका। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी, भारत में अधिकतर बेरोजगारी जो है वह किस प्रकार की है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आप सभी राइट आंसर कर देंगे, डी राइट आंसर रहेंगे, संरचनात्मक बेरोजगारी है भारत की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, जो जिला दर्रा जोड़ता है। चलिए आंसर करेंगे, यह किसको जोड़ता है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को टिक करे बिल्कुल सही है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। क्वेश्चन क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे पर जंक लगना किसका उदाहरण है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर क्वेश्चन बहुत गलती होता है हम सभी से, तो क्वेश्चन उससे गलती होता है जो कभी ये सभी क्वेश्चन पढ़े ही नहीं है। तो देखिए आप सभी को जो होमवर्क दिया जा रहा है उस होमवर्क को डेली आप सभी फॉलो कीजिए, सारा डाउट क्लियर होंगे आप सभी का और ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे आप सभी से। ए राइट आंसर है ऑक्सीजन। क्वेश्चन क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यह बन रहा है अपना, जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायन ने किया था। ए राइट आंसर है सभी साथियों का, बर्जिलियस ने किया था। क्वेश्चन क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन के जलने से समृद्ध प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण। सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया। तो यह लिया गया है रूस के संविधान से, याद रखिएगा आप सभी, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 को में है और यह संविधान के भाग 4 को में है, तो इसे अभी आप सभी नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था। द्वैध कर लीजिएगा, द्वैध शासन कब से कब तक चला था। चलिए आंसर करेंगे आप सभी, आप सभी को बताऊंगे कि द्वैध शासन जो लगाया था वह किसने लगाया था, रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था, जबकि वॉरेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त कर दिया था। तो यह चला था जी बिल्कुल, कब चला था, 1765 से लेके 1772 तक। 1765 में चालू किया गया था, 1772 में इसे बंद कर दिया गया। देखिए अगला क्वेश्चन, नियोजन काल में भारत का विदेशी व्यापार मात्रा एवं मूल्य दोनों में बढ़ा है। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है। तो यह लिया गया है अमेरिका देश की संविधान से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यह है कि सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाता है तो वह तैरता हुआ जलने लगेगा। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक जड़ नहीं है। इनमें से कौन सा एक जड़ नहीं है, आलू। आलू क्या है, जड़ नहीं है बल्कि यह तना है, जबकि गाजर शकरकंद मूली ये सभी जड़ का रूप है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यह है कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। चलिए आंसर करेंगे आप सभी, जी बिल्कुल सभी साथी आंसर करेंगे, क्वेश्चन को गलती नहीं करेंगे आप सभी, क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर।
गुरु गोविंद सिंह ने। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है? तो हम सभी जानते हैं इसका अंतर जो है 5 घंटा 30 मिनट का है। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, Na2SO4 में एस की ऑक्सीकरण अवस्था है। +6 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? कई बार क्वेश्चन कराए आप सभी को, चलिए आंसर करेंगे आप सभी। राजस्थान राज्य में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? वही अलबरूनी है जो महमूद गजनबी के शासनकाल में भारत आए हुए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। सबसे चर्चित आक्रमण था इसका सोमनाथ का मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं और ये अंतिम तीर्थंकर थे। इसका जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? बी राइट आंसर रहेंगे, जांत्रिक गोत्र में हुआ था। तो याद रखिएगा, जांत्रिक क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? चलिए आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। बी राइट आंसर रहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य है, सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, इसे सॉफ्ट करेंसी कहा जाता है या इसका तात्पर्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिस्टमा नेचुरे पुस्तक लिखी, तो यह पुस्तक लिखी थी लिनियस ने। किसने लिखी थी? लिनियस ने लिखी थी। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया बिल्कुल सही है, चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चलिए आंसर करेंगे आप सभी। देखिए, ये आपको टेस्ट डेली आपको शाम में 7 बजे प्रोवाइड किया जाएगा। आप सभी डेली किसी भी तरीके से टाइम निकाल के ये 1000 क्वेश्चन को कवर कर लीजिए, सारा सिलेबस आपका करीब करीब कंप्लीट हो जाएंगे। तो डेली मेरे साथ जुड़िए और इस सेट को लगाइए आप सभी। बी राइट आंसर रहेंगे, विष्णु गुप्त के नाम से जाने जाते हैं इसे, विष्णु गुप्त कौटिल्य कहा जाता है इसे, क्योंकि इसकी कूटनीति के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? हम सभी जानते हैं कि मानव में कुल हड्डी की संख्या कितनी होती है? 206 होती है, पर नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300। सी राइट आंसर रहेंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? बी राइट आंसर रहेंगे, अशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, बैगन किस कुल का पौधा है? सोलेंसी कुल का पौधा है बैगन। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, यह विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ, कहां से हुआ था? मेरठ से। सी राइट आंसर रहेंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया बिल्कुल सही है उसका, 10 मई को शुरू हुआ था, कहां से? मेरठ से हुआ था और यह फैला था दिल्ली तक। अगला क्वेश्चन देखिए, सांची किस कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बी राइट आंसर रहेंगे, बौद्ध का, क्योंकि सांची जो विख्यात है वो बुद्ध के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, सबसे लंबी मजबूत हड्डी जो होती है वह कौन सी होती है? फीमर, जांघ की हड्डी, जबकि स्टेपिज, कान की हड्डी, सबसे छोटी हड्डी होती है। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये है कानपुर में। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया बिल्कुल सही है उसका। देखिए अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। अभी बताए थे आपको इब्राहिम लोदी के बारे में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ये युद्ध लड़े गए थे। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी का हार हो चुके थे और बाबर का जीत हुए थे, जिसमें
बाबर ने क्या किया, मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया। चलिए आंसर करेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर 47 के लिए, तो यह पराजित हुआ था क्लाइव से, रॉबर्ट क्लाइव से हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो द्वारा किया था वह मेगा अस्थनीज ने किया था। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया बिल्कुल सही है, मेगा अस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और इसने एक पुस्तक की रचना भी की थी जिसका नाम इंडिका था। तो याद रखिएगा आप सभी, ये कौन थे, तो ये सेनुकस निकेटर के राजदूत थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, कैस्पियन सागर, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है, आंसर करेंगे आप सभी, साल्ट लेक स्टेडियम कहां है। तो ये है कोलकाता में, सी राइट आंसर है, क्वेश्चन क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज की सेट में हम सभी 50 क्वेश्चंस कवर किए लूसेंट जीकी का। इस प्रकार से पार्ट वन कंप्लीट हो चुके हैं और आज का ये सेट आप सभी को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का सेट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, जो भी लूसेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सारा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देंगे ताकि आने वाला आपके एग्जाम्स में दिक्कत ना हो, आपको फेस ना करना पड़े। जो फेस करना पड़े हमें करना पड़े, जितना हो सके उतना मेहनत करके आपको प्रिपरेशन करवा देंगे ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो ये मेरे तरफ से छोटा सा कोशिश है, तो आप सभी इस कोशिश को आगे बढ़ा दीजिएगा तो बड़ा मेहरबानी हो जाएगा आप सभी का। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई आप सभी करते रहिएगा। और जो आपको स्पेशल बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए ईबुक बता दिया गया है, आप सभी उस ईबुक को डाउनलोड करके रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा चीज़ को कवर किया गया उसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल का। तो आप सभी उसे रिवाइज जरूर कर लीजिए, बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए इतना ही बात करना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते आप सभी इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, जय हिंद।